As we done here, a sentence is a group of proper words that gives us a complete sense. Okay, so now the exercise number B here. Read the following group of words and tick correct those which are correct sentence. जैसा हमने एग्जाम्पल में सेंटेंस रीडिंग करते समय पढ़ा था, हमें सेंटेंस को रीड करना है और अगर हमें उनमें से एक प्रॉपर अर्थ या कंप्लीट अर्थ मिल रहा है तो वो हम उन्हें एक सेंटेंस में टिक करेंगे, अदरवाइज दे आर नॉट सेंटेंस. ओके, सो बच्चों लेट्स स्टार्ट. दैट इज़ योर, दिस इज़ अ पेन, या एक पेन है, या एक पेन है. ओके, सो दिस इज़ राइट. राम हैज़ नो, राम has no, Ram has no. तो ये हमारा, इससे हमें एक कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है तो हम इसे एक सेंटेंस में एक्सेप्ट नहीं कर सकते. So he is my friend. यहाँ पे भी हमें एक प्रॉपर सेंस मिल रहा है. ओके, सो ये हमारा सही होगा. Children are playing. तो ये वर्ड्स होना चाहिए हमारा, चिल्ड्रेंस आर प्लेइंग. चिल्ड्रेन मतलब बच्चे. दिस इज माई, नो दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. आई डोंट टेक टी, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. ओके, माई सिस्टर आर नॉट, इट्स नॉट अ कंप्लीट प्रॉपर सेंस. माई सिस्टर इज नॉट होगा. ओके, पेन नॉट काउ, पेन इज नॉट काउ, ये भी हमारा सेंटेंस नहीं होगा. दिस माई मोबाइल, नो ये होगा, दिस इज माई मोबाइल. फूड माई कुक्स मदर, नो इट्स ऑल्सो नॉट, बिकॉज यहाँ पे होगा हमारा कुक्स, सॉरी फूड कुक्स बाय माई मदर. ओके, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिस इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, दिल्ली भारत की कैपिटल है. ओके, दिस इज अ ग्रीन ट्री, इट्स ऑल्सो अ कंप्लीट सेंटेंस. ओके, सो नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज सी, दैट इज रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंस. हमें अब यहाँ पे सेंटेंस को अरेंज करना है, प्रॉपर तरीके से उसे लिखना है, उसे एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है. ओके, ठीक, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट, दैट इज योर, इज माय सी सिस्टर सी, तो ये हमारा होगा सी. इज सपोर्टिंग वर्ब होता है. इज माय क्या है, सिस्टर, वह मेरी बहन है. द मिल्क काउ गिव्स, द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है. ओके, नंबर थर्ड, हैज ए कार राम, तो ये हमारा होगा राम has a car, very good. Next, are playing children little, so little children are playing. Okay, very good. At home is my father. तो पहले हम लिखेंगे my father. हम पहले find out करते हैं कि activity depend किस पे करत रही है, वो हमारा subject होता है. Okay, my father is at home. मेरे पिता घर पर हैं. He drink milk will shum. Then start with he will drink some
मिल्क. ओके वेरी गुड. लिव सी मुंबई इन, देन ही कहाँ रहता है? लिव्स क्या? लिव्स इन कहाँ रहता है? मुंबई. मेक नॉइज आर डोंट, सो स्टार्टिंग विथ डोंट नेगेटिव सेंटेंस. क्या नहीं करना है? मचाना है. क्या नहीं मचाना है? शोर. डू यू वैन अप गेट, क्वेश्चन पूछे जा रहा है. वैन डू यू क्या करते हो? उठते हो. गेट अप. नेम वॉट योर इज, देन वॉट इज योर नेम, का नाम क्या है? ओके रेनिंग इज इट नाउ, नाउ इट इज रेनिंग. एंड चिल्ड्रेन पपी इज लव, तो चिल्ड्रेन लव पपीज. ओके सो बच्चों, जैसा कि हमने सारे एक्सरसाइज कर लिए हैं, सो एज एन होमवर्क आप अपनी बुक में ये जो क्वेश्चन हैं सो हमने सेंटेंस के लिखे हैं, इन्हें याद करना है. ओके इसे याद कर लीजिएगा. एंड ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चारों मैंने आपसे लिखने के लिए बोला, इसे आप लिखकर एक अपने माइंड में इसको एक सेटअप कर लीजिए या फिर इसे एक याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ. थैंक यू.